बिरसा मुंडा कारा रांची में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने जेल से ही प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को पहले फोन कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, फिर उन्हीं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने अत्यधिक तत्परता दिखाते हुए एक फर्जी मामले में प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरिष्ठ स्थानीय संपादक विजय पाठक के खिलाफ खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज भी कर ली है। जानकारी हो कि ईडी चार्जशीट की खबर प्रभात खबर में छपने के बाद प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को जेल से 29 दिसंबर को सुबह योगेंद्र तिवारी ने धमकी दी थी। इसके बाद प्रभात खबर की ओर से पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सदर थाना की पुलिस ने आईपीसी की धारा 385 और 503 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। योगेंद्र तिवारी शराब, बालू और जमीन कारोबारी है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह जेल में बंद है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।